वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे हमारे पास डिज़ाइन होते हैं और उनमें कौन कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गुफ्तगू करें और आगाज़ करें तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, क्यों बनती हैं, क्यों दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ आपस में या कोई कंपाउंड जुड़ते हैं, दो पर्टिकुलर स्पीशीज़ आपस में मर्ज होती हैं, क्यों होती हैं। इसका जवाब ये है स्टेबिलिटी के लिए, यानी हमारे पास स्टेबिलिटी वो चीज़ है जिसके लिए कोई दो चीज़ें आपस में दूसरे जुड़ेंगी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है। The attractive force that holds atom together in a compound is known as chemical bond. ऐसी तमाम attractive force जो किसी भी atoms को आपस में एक दूसरे के साथ hold कर लें, दो atoms हों दोनों को दरमियान में hold कर लें, वो उस force को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह की force को हम लोग chemical bond कहते हैं। तो जब भी हम लोग chemical bond की बात करते हैं बेटा, तो chemical bond क्या चीज़ है, वो force है जो दो atoms को hold करके रखेगी। अब ये जो दो एटम्स को होल्ड करना है ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ये एक अलग चीज़ है। क्यों कोई दो एटम जुड़े, तो इसकी एक बुनियादी वजह अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी सबसे पहली वजह तो ये स्टेबिलिटी के लिए। अब स्टेबिलिटी के हमारे पास कुछ उसूल हैं जिसको हमने फॉलो करना है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के एतबार से, तो हमारे पास जो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बात क्या चीज़ है, वो ये कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या अगर हीलियम का केस देखें तो उसमें आ जाता है डुप्लेट कंप्लीट कर ले। जब ये वाली सिचुएशन हमारे पास आती है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास ऑक्टेट रूल भी कहलाता है। यानी हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में हमारे पास क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। ये स्टेबिलिटी के उसूल हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं। अब होता क्या चीज़ है, अगर हम लोग बैकग्राउंड पे जाएं तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, 20th century में इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। 1916 में लुइस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जो वैलेंसी के ऊपर डील करता था, और उसने ये बताया कि एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी आ गया, एंड सेड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग, जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो असल में रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। अब ये होना इनका क्या मतलब है, इसका इलेक्ट्रॉन का होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कार्बन है, कार्बन के वैलेंस से पता चला चार इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इसने इस क्लोरीन से ले लिया, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो इसका मतलब ये एक तरीक़ेकार डिज़ाइन हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ का ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने चाहिए, कुछ का ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। अगेन इट डिपेंड अपॉन दी कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मामला होने चाहिए। अब इसमें एक ज़रा बात को समझ लें, हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड करवाई हैं, एक कॉसल ने और एक लुइस ने। कॉसल की जो थ्योरी है वो आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर डील करती है, लुइस की जो थ्योरी है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर डील करती है। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और अगर हम लोग बात करते हैं लुइस की थ्योरी की, तो लुइस थ्योरी में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसफ़र और शेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आयनिक में और कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे, बहुत आसान सा फलसफा है कि अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, तो इसमें हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। गौर से देखिए, अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि लेट सपोज सोडियम है, सोडियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक तरफ Cl है, Cl के वैलेंस में सात इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी और दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसे फॉर्म होगा। लेट सपोज हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे ही शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग तैयार हो गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनका भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौसल हो या लुइस हो, दोनों ये कहते हैं कि जब एटम्स हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायरमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की है। यानी अल्टीमेटली जो भी होगा बॉन्डिंग बनेगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन होनी चाहिए। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं हो रही तो फिर उसको नहीं समझा जा सकता। और जितने भी एटम्स हैं, ज़्यादातर एटम्स जो एलिमेंट्स के, उन सबके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट होते हैं। यानी इनके अंदर इनकम्प्लीटनेस बहुत ज़्यादा है आपके पास, और इसी वजह से बॉन्डिंग बनती है। अब होता क्या है, ये ट्रेंड जो है ना आउटर शेल को कम्प्लीट करने का, यही वजह है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। बस फर्क ये है कि कभी या तो शेयरिंग हो जाएगी, कभी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, जो नोबल गैसेस हैं उनका मामला भी ज़रा हम समझ लेते हैं कि नोबल गैसेस में क्या होता है। नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो ये जो है ये बहुत स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट या डुप्लेट पहले से कंप्लीट है, और ये किसी किस्म की कोई केमिकल बॉन्डिंग यूजुअली फॉर्म नहीं करते, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी ओवरऑल ये हमारे पास कैसे कंसिडर किए जाते हैं, स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं नोबल गैस, तो ये भी ज़रा देख लें ताकि हमें याद रहे, बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस हैं, और हर कोई चाहता है कि इन जैसी कॉन्फ़िगरेशन ले आए। हीलियम की बात करेंगे तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, नियॉन से लेकर रेडॉन तक की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब स्टूडेंट, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड का जो बेसिक फ़लसफ़ा है, फिनोमेना, बड़ा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, इंतहाई आसान है। जैसे हम ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी वैसे ही है, आयनिक बॉन्डिंग को अगर हम देखते हैं तो इसको समझाना बहुत आसान है। जैसे सोडियम का था ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कहाँ चला गया, इधर F के पास। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन हो गई, आपके पास आयनिक बॉन्ड तैयार हो गई। However, the way of a covalent bond form as well as the shape of molecule can be understood on the basis of various theories. Ionic bonding का तो concept आसान है, मसला covalent में आता है। Covalent का मसला ये है कि इसमें जो shape of molecule और theories हैं वो कई ज़्यादा हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से इनको समझा रहा होता है और उसको उन patterns के ऊपर लेके चल रहा होता है। अब हमने क्या करना है, हमने उसी हिसाब से चीज़ों को understand करना है जिस हिसाब से हमारे पास mention है। अब कुछ बातें ज़रा समझ लें, हमारे पास जो दो मेजर थ्योरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, सबसे पहले तो बात समझ लें लुईस स्ट्रक्चर्स की। लुईस कॉन्सेप्ट जो बताया गया कोवेलेंट बॉन्डिंग का, वो बेसिक गाइडलाइन थी कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को कैसे लिखेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वेरियस कोवेलेंट कंपाउंड के, उनको हमको लिखना है। अब बात बहुत आसान सी है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है फोर्सेस की, उसको क्या करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज तो बन जाते हैं। यानी कोई भी एक स्ट्रक्चर फार्मूला, जैसे ये हमारे पास CH4 है, ये हमने इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना था, ये हमारे पास का स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार हो गया। लेकिन अब होता क्या है, ये ना तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस एक्सप्लेन कर सकता है, ना शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता सकता है, ना प्रॉपर्टी बता सकता है, जैसे बॉन्ड एनर्जी हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ नहीं एक्सप्लेन हो सकता। इस तरह से जैसे लुईस का काम है कि अगर हम HCl को ऐसे ड्रॉ कर लें, H2O को ऐसे, क्योंकि उसमें बड़ी राय कायम हो जाएगी। कोई बोलेगा कि मैं वाटर को ऐसे ड्रॉ करूँगा, कोई बोलेगा मैं वाटर ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो पा रही हैं। दो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो इस काम को एक्सप्लेन करती हैं या इस काम को आगे लेके चलती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं उनके बिहेवियर्स को समझाती हैं। अब ये जो दो थ्योरीज हैं, इनका भी एक थोड़ा सा बर्ड आई व्यू आप समझ लें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये तो एक्सप्लेन होंगे सेपरेट टॉपिक्स हैं बड़े बड़े। ये एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBT कहते हैं, ये मॉडर्न थ्योरीज है, और एक MOT है जिसे हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं।
वीबीटी में क्या होता है, ये हमारे पास थोड़ी पुरानी है, यानी एमओटी से थोड़ी सी पहले वाला वर्जन आप समझ लें। ये हमें ये बता रहा होता है कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में दूसरे का जुड़े होते हैं, ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं और मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। एमओटी क्या करता है, एमओटी हमें ये बता रहा होता है कि पूरे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं, होल मॉलिक्यूल की जो नेचर है वो हमारे पास कैसे एक्सप्लेन होगी और कैसे हम लोग फिर शेप्स को डिफाइन करेंगे। तो ये है एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि केमिकल बॉन्डिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों बन रही है बॉन्डिंग। अब अगर बॉन्डिंग्स बन रही हैं तो उनमें क्या इख्तलाफात हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। तो ये हमारे पास दो मॉडर्न थ्योरीज हैं। आयनिक बॉन्ड का एक छोटा सा हमने आपको तरीक़ेकार बताया कि कैसे वो फॉर्म हो रही होती है। तो आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग आपको वीबीटी और एमओटी को बड़े तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आपने हमारे लेक्चर्स मज़ीद भी देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से इसके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ, ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।